तो देखिए इनकी कितनी बड़ी कितनी तीक्ष्ण साधना है, 24 घंटा में एक बार वो भी एक दोना छाछ पीते, छाछ पी करके यहीं पर रह रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं यहीं रहूं, जथा में श्री कुंडे सखी सकल मंगम निवसती हूँ, इस कुंड पर मैं वास करूं, कुंड में मैं रहूं, और कुंड में रह करके कैसे रहूं, तो दृढ़ संकल्प के साथ कुछ भी हो जाए। चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है कि रघुनाथ दास गोस्वामी का नियम पैसा था तो पत्थर के रेख जैसे, जो नियम बनाए तो नियम कभी भंग नहीं, कभी तोड़े नहीं। ऐसा जब तक कड़ा साधना न हो, ऐसी कड़ा यदि संकल्प न हो, तुम्हारा जिस रस का, जिस रस को हम लोग चाहते हैं वो प्राप्त नहीं हो। गौतम बुद्ध जब घर छोड़ करके निकले तो राजा के लड़के थे, उनका लड़का भी था, बहुत बड़ा ऐश्वर्य वाले थे गौतम बुद्ध। जब बोध गया है, गया में आए और जिस पेड़ के नीचे बैठ करके वे तपस्या करने के लिए बैठे, तो उन्होंने कहा यहाँ शरीर सोसितुमे शरीर, हमारा शरीर यहाँ सुख जाए, मांस सुख जाए, अस्थि नष्ट हो जाए, पर भी बिना बोध प्राप्त किए मैं उठूंगा। देखिए जब साधक दृढ़ प्रतिज्ञा करता है कि हम इस रहनी से रहेंगे, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मैं ऐसा कब रहनी में रहूंगा, जथा लाभ संतोष काहू सो कछु न चाहूंगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव बहु, ऐसा कब स्थिति आएगी कि संसार की समस्त अवासनाओं को तोड़ करके मैं वृंदावन का वास करूंगा, और वृंदावन में कैसे वास करूंगा तो संत स्वभाव करूंगा, यथा लाभ संतोष का उसो कछु न चाहूंगा, मेरे प्रारब्धानुसार जो कुछ भी मिल जाए उसी में संतोष करके किसी से कुछ नहीं चाहूंगा। देखिए ये साधन कोई जीव नहीं कर सकता, ऐसा कड़ा साधन साक्षात गौतम बुद्ध भगवान के अवतार हैं, उनको भी प्राप्ति करने की इच्छा हुआ तो उन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा लिया। देखिए इस संकल्प में अद्भुत शक्ति है, इसीलिए कर्मकांड में शास्त्रों में लिखा गया है जो भी पूजा पाठ करने जा रहा है पहले संकल्प कर, तो संकल्प में ताकत आ जाती है। जब पितामह भीष्म संकल्प कर लिए कि मैं अपने पिता के सुख के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य रहूंगा, तो पुष्प देवताओं का देवताओं ने पुष्प वर्षा किया, भीष्म भीष्म इस प्रकार का चारों तरफ से ऐसा दृढ़ प्रतिज्ञा, तो रघुनाथ दास गोस्वामी भी प्रतिज्ञा किए यही वो मैं संस्थिति, मैं अब राधा कुंड को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाऊंगा जब तक प्रियालाल स्वयं प्रकट होकर के अपने चरण के नजदीक न मिले, तो ऐसा संकल्प चाहिए। अत्रैव मम संवास इहैव मम संस्थिति, यह संकल्प है मैं इस ब्रज भूमि में रहूं, और ब्रज भूमि में कब तक रहूं कि जब तक प्रियालाल का दर्शन न हो जाए, प्रियालाल हमें दर्शन न दे। हम लोग न जाने अनादि काल से न जाने कहां कहां घूमते रहे, कब हम कृपा करुणा नर देहे देत इस बिन भेद स्नेही, करुणा वरुणालय की कृपा हुई कि हम लोगों को मानव शरीर देकर के इस ब्रज ब्रज धाम मिला, और केवल हम लोगों को इतना सब कुछ कर दिए है ठाकुर जी, चारों तरफ से हमको कर दिए, वृंदावन अपने घर में बास दे दिए, अपने निकुंज स्थली में, केवल हम इतना दृढ़ विश्वास करें कि बस अब हम वृंदावन को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाए, यहाँ कैसे रहेंगे तो साधु स्वभाव बन करके रहेंगे, साधु जैसे रहते हैं महात्मा जैसे रहते हैं उस प्रकार हम रहेंगे। राधा रस सुधा निधि में आचार्य चरण प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं कि वृंदावन सर्व महताम उपहाय दूरा, यदि साक्षात भगवान भी आकर के कहे कि मैं आगरा आ गया हूं तुम मुझको दर्शन दे दो, तो हमें उस भगवान से कोई मतलब, सर्व महताम अपहाय दूरा, हे चे हे मन
सर्व महता वृंदानी दूरात अपहाय। जितने बड़े बड़े महत्पुरुष हैं हमको आदेश दें कि तुम ब्रज से बाहर चले जाओ, तो उन महत्पुरुषों के आदेश को दूर से ही मैं छोड़ दूं। प्रबोधन सरस्वती कहते हैं वृंदान सर्व महता मपहाय दूरा। क्या करेंगे तो वृंदा तभी मनुसर प्रणयी न चेता। हे चेत, हे मेरा मन, सभी महा महताम वृंदानी दूरा तपहाय, सभी महत्पुरुषों को दूर से ही छोड़ करके प्रणय न, प्रणय का होता है प्रेम से, वृंदा कवि मनुसरा, वृंदा कवि के लिए, वृंदावन के लिए अनुसर चलेंगे। अब वृंदावन में क्या है, कौन अलौकिक वस्तु वृंदावन में है, तो कहते हैं सत्तारणी। प्रियालाल का जो विहार स्थली है सुधार सौगम राधा विधान विह दिव्य निधान मस्ती, यहाँ पर एक अलौकिक शक्ति है जिनके आश्रय लेने के बाद अपने आप सब महत्पुरुष अपने आप प्रसन्न हो जाए, अब हमको कुछ करने की जरूरत नहीं। श्री भट्ट देवाचार्य जी तो कहते हैं कि अरे भैया मन रे मन वृंदा विपिन निहार, रेमन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा के बाहर हरिको पूर्ण निहार, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ पसार, विपिन राज से सीमा के बाहर हरिको पूर्ण निहार। देखिए इतना जब दृढ़ निष्ठा नहीं होगी, इतना दृढ़ वैराग्य जब तक नहीं होगा, तो जिस वस्तु को हम लोग चाहते हैं वो वस्तु प्राप्त नहीं। इसीलिए श्री रघुनाथ गोस्वामी पाद कहते हैं बस बस अब हो गया प्रियाजू, जब तक आप हमें अपने पास नहीं ले जाएंगे अर्थात अपने सेवा में हमको नहीं रखेंगे, तो स्वकुंडम तुम स्वकुंडम तो लोलाक्षी सौ प्रियाया सदास्पदम। हे चंचल नेत्री राधे, हे प्रियाजू, तब तक मैं यहीं पर रहूंगा, अत्रै उमं संवास इहै उमं संस्थितम्। इस राधा कुंड को छोड़ करके मैं अन्यत्र कहीं नहीं जाऊंगा, बस हमारा अब यही काम है, कुछ नहीं भाई। देखो भजन में मन भी न लगे तो चिंता की कोई बात नहीं, वृंदावन पड़ेगा। एक बार महात्मा लोग विचार किए जिसके पास नेत्र नहीं, जिसके पास श्रवण शक्ति नहीं, जिसके पास जीव बोल नहीं सकता है, वो कैसे भगवान को प्राप्त करे, जो कथा भी नहीं सुन सकता, नाम भी नहीं रट सकता और देख भी नहीं सकता। देखिए साधन है, कुछ कुछ महात्मा लोग हरे कृष्ण करके भगवान का भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, नाम जप जप के लोगों ने पाई गई, नाम नहीं रट सकते तो कथा सुनकर भगवान को प्राप्त कर ली, चलो कोई कथा भी नहीं सुना तो प्रियालाल के दिव्य रूप माधुरी का दर्शन करके प्राप्त कर लेते हैं। तो जिसके पास नाक भी नहीं, गंध भी नहीं ले सकता है, देख भी नहीं सकता है, सुन भी नहीं सकता है, उसका उद्धार कैसे होगा। तो बस एक ही चीज है, बस ब्रज में पड़े रहो, ये रज का स्पर्श होता है। वही रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं बस बस अत्रै उमं संवास इहै उमं संस्थिति। अब हम इस ब्रज भूमि को छोड़कर अन्यत्र कहीं जाएंगे नहीं, अब वृंदावन को त्याग करके अब हमारी कोई स्थिति नहीं है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं मेरा ये दशा कब पलटेगा, सारे संसार से खींच करके हमारा मन प्रियालाल की विहार स्थली ब्रज भूमि में कब हमारा मन जाएगा। संसार के जितने लोग हैं कोई भी नहीं चाहता, माँ खूब बच्चे से प्यार करती है लेकिन माँ कभी नहीं चाहती कि हमारा बेटा महात्मा बन जाए, दूसरे लोगों के लड़का महात्मा बन जाएगा तो पैर छू लेकिन बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन अपने बेटा को महात्मा नहीं, कोई बाप नहीं चाहेगा, चाहेगा कि हमारा लड़का पढ़ करके पैसा कमाने लगे करे, लेकिन महात्मा बने कौन चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा। अरे साधारण तो छोड़े, ब्रह्मा का बेटा जो दक्ष है उसका उसके लड़कों को महात्मा बना दिए नारद,
क्योंकि महात्मा बनाती महात्मा बोलते रत्न दक्ष प्रजापति साधारण है, ब्रह्मा जी के बेटे हैं, भगवत भजन की महिमा जानते हैं, नारद जी की कृपा हो गई संत बना दिए। और जब दक्ष प्रजापति को पता चला तुम्हारा श्राप ही दे दिया और क्या कहे यहो असाधु साधु नाम साधु लिंगे नमस्तोया। अरे नारद जी को कौन साधु कहता है, तुम तो साधु के रूप में साधु का लिंग धारण करके बड़े भारी कसाई हो, हमारे छोटे मोटे तो मुहे बालक को भिक्षु मार्ग प्रदर्शित तुमने भिखमंगा बना दिया। तो भाई महात्मा बनाना, महात्मा बनना किसी के बस की माँ नहीं बना सकती, बाप नहीं बना सकता, अरे कोई नहीं बना सकता महात्मा। जब तक भगवत कृपा न हो जाए, महापुरुष की कृपा न हो जाए, तब तक कोई जीव संसिद्ध चक्र से छूट ही नहीं सकता। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं आहा हरि हरि हे हरि, ऐसा दशा मुझे कब होगा, ऐसी दशा कब मेरा पलटेगा जो संसार में बहते बहते अचानक प्रिया जी के चरण कमल प्राप्त करने की अभिलाषा हृदय में जग जाए, ऐसी स्थिति मेरी कब आएगी। इस संसार के लोग तो सब हमको प्रतिकूल आचरण सिखलाते हैं, बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक तो कोई नहीं कहता है भजन करने की, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों को तो उपदेश देंगे भजन करो लेकिन कुछ नहीं। ये कितनी प्रबल ठाकुर जी की माया, कह रहे कि कब मैं वृंदावन जाएंगे, हे मन वृंदावन में जाकर के निश्चय पूर्वक वही वास करेंगे। धन जन पुत्र दारे ये सब करिया दूर, भजन में सबसे खतरनाक चीज है अपना संबंध, दूसरे लोग भजन करेंगे तो प्रसन्न होंगे लेकिन अपना जो संबंधी है कहेगा भजन चलूंगा, जो अपने संबंधी है ना वो प्रसन्न नहीं रहेंगे और लोग प्रसन्न रहेंगे। सबसे अधिक बाधा कौन करता है, तो अपना पुत्र और अपना पत्नी, इसीलिए भागवत में लिखा गया स्वजनाख्य दस्यु, ये जो स्वजन है वो डकैत, हमारे सौम दम्यादि चेष्टा को नष्ट करने वाला कौन है, तो हमारी पत्नी हमारे बच्चे। इसलिए हे प्रभु इन सब से दूर रह करके एकांत हैया कवे जाओ, एकांत होकर के मैं ब्रज का आश्रय करूं। भक्तमाल में लिखा गया है जब हरिराम व्यास वृंदावन में आए तो ओरछा के लोगों को उनके खास करके स्त्री पुत्रों को मन नहीं लगा, स्त्री पुत्र मन में विचार करने लगे कि ये कहां से महात्मा बन गया और ये आकर के यहाँ महात्मा बन गए, आप प्रतिज्ञा भी कर लिए कि हम व्रत छोड़कर कहीं बाहर जाएंगे, अब यही भजन करें। तो उनके स्त्री पुत्र आए और आकर के खूब प्रार्थना किए कि आप चले जाए, अरे आप चलिए घर पर चलिए, लेकिन वो जाने के लिए तैयार नहीं। फिर गांव के बड़े बूढ़े भी लोग आए, कहीं इतने भारी विद्वान है क्या वृंदावन में कर रहे हैं। तो हरिराम व्यास क्या किए कि ब्रह्म व्रत छोड़कर के जाना चाहते नहीं थे, उन लोगों को समझाते रहे कि चले जाओ, अब मैं बहुत जन्म भटका इस जन्म में तो व्रत छोड़कर मैं बाहर नहीं जाऊं, बहुत लेट हो गया। उनका नियम था प्रतिदिन वैष्णव का उच्छिष्ट प्रसाद पाने के लिए, देखिए बहुत बड़ी ताकत है वैष्णव का चरण रज पाना, वैष्णव का चरण भुवन पीना और वैष्णव का उच्छिष्ट पाना, एक बहुत अद्भुत शक्ति है, भक्ति बढ़ाने वाला शक्ति है। उनका प्रतिदिन नियम था कि वैष्णव उच्छिष्ट पाने। आज इधर जब आए उन लोग अपने घर वालों को समझाते समझाते बहुत देर हो गया, आए तो देखे कि सब लोग प्रसाद पा लिए, अब हमको उच्छिष्ट मिलने वाला है। उसी समय एक भंगी की स्त्री संतों की जूठन प्रसाद बटोर करके अपनी टोकरी में रख, अब सोचे अब क्या करें, अब बहुत बड़े साधारण नहीं थे, बहुत बड़े ब्राह्मण थे, कर्मकांडी ब्राह्मण, वैदिक ब्राह्मण थे, विद्वान थे, अब उस भंगी के स्त्री के चरण पर गिर करके प्रार्थना करने लगे, कहे कि माँ थोड़ा सा उसमें से प्रसादी मुझे दे दो, हमारा नियम है रोज भक्त उच्छिष्ट पाने का, आज तो मिला नहीं, इन घर की रस्तियों के चक्कर में पड़ करके छूट गया, थोड़ा दे दो। महात्मा जी अब क्या कह रहे हैं, अरे हम कौन हूँ, अब तो पहले विचार करो मैं भंगी हूँ, आप ये क्या करना है, अरे बड़े माँ हमको दे दो किसी तरह,
वो नहीं दी उसके टोकरी से लेकर एक पकौड़ी, पकौड़ी लेकर उन घर उनके स्त्री पुरुष साहब उनके सामने ही भंगी के टोकरी से लेकर के खाए। अब घर वाले छोड़ सोचे के लिए वास्तव में पागल भंगी के हाथ से खा लिए, अब इसका बुद्धि ठीक नहीं, अब ले जाकर वहां करेगा। हरिराम व्यास मन में सोचने लगे देखो इन लोगों की निष्ठा केवल एक पकौड़ी तक है, इससे आगे नहीं। तो देखिए व्रत वैष्णव की शीत प्रसादी की इतनी महिमा की थोड़ा खाते ही घर गृहस्थी से छूट। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि बस धन जन पुत्र दारे ईश्वर करिया दूरे एकांत हिया कभी जाओ। संसार की सारी आसक्ति को तोड़ करके कब मैं वृंदावन के किसी विपिन में बैठ करके प्रियालाल के नित्य लीला का स्मरण करूं, ऐसा कब स्थिति आ गई। अरे मेरे भक्तमाल में तो यहाँ तक लिखा गया है इसके बाद वहां मधुकर शाह जो राजा थे वो भी आए, और वो आए तो कहे चलने के लिए तो तैयार नहीं हुए, तो उनके गुरु जी से कहे कि गुरु जी आप कह दीजिए, तो गुरु जी से कहवा दिए राजा जाओ, गुरु जी भी कह दिए कि तुम चलो, राजा भी कहा कि चलो, अब सोचे कि अब तो जाना ही पड़ेगा, गुरु का आदेश हो गया, अब तो हमें निश्चित जाना पड़ेगा। तब क्या किए कि गए और जा करके काजल कोयला लेकर के अपने मुंह में लपेट लिया, मैं वृंदावन से जाना है तो मुंह काला करके जाना है, और सब को सारी आसक्ति छोड़ करके ब्रज में आया, और ब्रज से फिर घर में जाना पड़ेगा तो मुंह काला करके ही जाना पड़ेगा, तो पूरा मुंह में काली लगा लिए और लगा करके पागल होकर के उधर होकर ले जाता। और राजा कहा कि अब चलिए, उस समय भी कहा कि चलिए, तो कहे ठीक है जाना तो पड़ेगा ही, तो जाना है तो यहाँ मैं रह गया हूँ तो कुछ हमारे मित्र बन गए हैं, उन मित्रों से मिल लेता। तो एक एक पेड़ के पकड़ करके अब घंटों घंटों रोते थे, हे वृंदावन के वृक्ष अब आपको छोड़कर मुझे घर द्वार में जाना पड़ेगा, आप हमें क्षमा करना। एक पेड़ छोड़ते थे तो दूसरा पेड़ पकड़ते, दूसरा छोड़ देते तो तीसरा, और कई दिन तक ऐसे पकड़े पकड़े रह गए, और पकड़ करके कहते थे वृंदावन में रुख हमारे मात पिता सुख बंधु, वृंदावन के पेड़ पौधा ये सब हमारे माता पिता बंधु हैं। मधुकर शाह कहे कि वास्तव में पागल हो गया, अब इसका बुद्धि काम नहीं, अब एक पेड़ रहता तब तो, आजकल के वृंदावन जैसा केवल बिल्डिंग बिल्डिंग तो नहीं था, वो तो बिल्कुल घना वृंदावन था। तो एक एक वृक्ष के नीचे बैठ करके ऐसा स्थिति हो, तो ऐसी स्थिति जब तक नहीं आती है, रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं बस बस अब हो गया, हे प्रिया जी जब तक आप अपने चरण के नजदीक नहीं ले जाएंगे तब तक यह जीव कहीं जाने वाला नहीं। सब दुख परिहरी वृंदावन वास कर, वृंदावन वास करने में भी कठिनाई है, उन दुख की उस दुख की तरफ मैं देखूंगा नहीं, वृंदावन में रहूंगा, आ कैसे खाऊंगा तो माधुकुरी माधुकरी मागिया खाई। देखिए पूरे पृथ्वी पर एक वृंदावन ही ऐसा जगह है जहाँ मधुकरी मिलता है, ये महत्पुरुषों का चलाया हुआ व्रत और कहीं नहीं, किसी धाम में नहीं। अब इतना सुंदर जगन्नाथपुरी है, रामेश्वर है, द्वारिका है, वहां जाए मधुकरी मांगे देगा नहीं, देगा भी तो अवश्य वाश्य। अब जगन्नाथपुरी में भिक्षा मांगेंगे तो किसके घर में मांगेंगे, पंडा भी वहां मछली खाते हैं कहाँ मांगेंगे, शुद्ध तो भोजन नहीं मिलेगा। ब्रजवासी लोग ऐसे हैं मांगने जाएंगे तो कहेगा कि बाबा आज मैं प्याज डाल दिया ऐसा कह देते, और जगह तो कहेंगे नहीं, गाली भी दे देंगे चले जाओ। तो ये बनाया हुआ क्षेत्र है, ये वृंदावन क्या है, ये पेंशन का जगह है, ये रूप सनातन गोस्वामियों का ये सिद्ध स्थली, ये प्रियालाल का नित्य विहार स्थली है। तो यहाँ रहने में कोई परिश्रम नहीं है, यहाँ यदि कोई रहे तो रहेगा तो स्वाभाविक रूप से जय जय श्री राम। खाने पीने रहने की हमारे गोस्वामियों ने व्यवस्था कर दी, रूप सनातन ने परिश्रम करके, आचार्य चरण ने खूब परिश्रम करके हम लोगों को रास्ता प्रशस्त कर दिया है, यदि रहना है तो कैसे रहे, बस माधुकरी मांगिया खाई।
माधुतरी मान करके खाई। सत्य पूछा जाए तो ब्रज में रहा जाए, ब्रज में यदि रहना है तो रहने का तरीका यही है। उपाय से ब्रज में रहा जाए तो रहना है माधुपुरी मांगिया खाई बार, और रहे कैसे करेंगे तो जमुना जल जैन अमृत समान है। स्थिति ये मां ब्रजवासी के टूक भूख में घर घर छाँच महेरो, ऐसो कब करी हो मन मेरो, ऐसी स्थिति आएगी। कर करुआ कामर कांधे पर कुंजन माझ बसेरो, ये महत्पुरुषों की कृपा है। जिस रस में यहाँ पर कोई भी रहा, स्वामी हरिदास रहे चाहे हरिवंश महाप्रभु रहे चाहे जितने भी महत्पुरुष रहे, तो वो लोग ये ऐसा नहीं रहे कि संचय करके वृंदावन में संचय करके खाने से भक्ति बढ़ती नहीं। तब साल भर का खाना रख दो, साधु बन गए बैंक में पैसा रख दो, तो उसको खाने से भक्ति नहीं। यहाँ रहना है तो रहने की तरीका हमारे आचार्य लोग क्या करते हैं, सब दुख परिहरी वृंदावन वास करी माधुपुरी मांगिया खाई। रहना है तो ऐसे रहना है रोज। वृंदावन में एक महात्मा रहते हैं सीतानाथ बाबा खैराम, कहते थे हमको कि देखो जिसको कमंडल हिलाने आ गया वृंदावन का राजा है वो। कुछ नहीं तो कमंडल हिलाने सीख जाओ, भूख लगे तब मान खाऊंगो गनम न शाम सवेरे, ब्रजवासिन के टूक भूख में घर घर छाछ महेरो। ऐसे महत्पुरुष लोग चला दी वृंदावन वास करना है तो इस रहने से यदि रहे। हम देखते हैं ब्रज 84 कोष में प्रत्येक गांव में व्यवस्था है साधुओं को रहने की, तो साधु को मकान बनाने की जरूरत नहीं, आश्रम इत्यादि बनाना। यहाँ पर रहना है तो मैं गांव में जाकर देखिए सब जगह जंगल में गांव से दूर ब्रजवासी मकान बनाए हैं, उसको तिवारी बोलते हैं ना गांव में, वो किस लिए बनाए हैं उनको भी पता नहीं, वो महात्मा लोग जाकर के रह जाते हैं। और जब रह जाते हैं तो वहां पर खाना पीना रहना इस रहने से ब्रज में। यदि प्रिया जी के चरण कमल में प्रीति पाने की थोड़ी सी भी अभिलाषा है, थोड़ी सी भी इच्छा है, तो महत्पुरुषों के आदेशन महत्पुरुषों के रहने से रह जैसे रह। खास करके वृंदावन में मठ मंदिर को ऐसे कोई आचार्य लोगों नहीं। पीना है तो बस सा स्वच्छंदम पिब जामुनम जलमलई चीरहि सुकंथां करो। प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं ब्रज में कैसे रहना है, किस रहने से रहना है। ब्रातस्तिष्ठ तले तले पिट पिना ग्रामे सुभिक्षा मत, रहना है तो ऐसे। जयदेव महाप्रभु ऐसे रहते थे, एक पेड़ के नीचे एक रहा, दूसरे पेड़ के नीचे दे रहा, इन्हों का रहने तो देखिए क्यों नहीं रहते थे। भैया इस पेड़ में मेरा ही अधिकार नहीं है, एक पेड़ में भी यदि एक डेढ़ महीना रह जाएंगे तो कहेंगे मेरा पेड़। अरे पेड़ सबके लिए है तो एक पेड़ के नीचे एक रह जाते। भ्रातस्तिष्ठ तले तले बिटपिना, अब भूख लगे तो ग्रामे सुभिक्षा में, अब प्यास लगे तो यही कहते हैं जमुना जल जैन अमृत समान है। स्वच्छंदम पिब जामुनम जलमलई चीरहि सुकंथां करो। पहले के महात्मा लोग रहते थे तो कपड़ा कैसे पहनते थे तो सुकंथा कहते हैं। सुकंथा किसको कहते हैं, सुकंथा कहते हैं एक बहुत वस्त्र मिलकर के सील सील करके पहना जाए उसको सुकंथा कहते हैं, सुंदर वस्त्र। वो उसको हम लोग सुकंथा नहीं, वो एकदम सील सील कर सुकंथा। स्वच्छंदम व्योजामुनम जलमलहि चीरहि सुकंथा, केवल वैराग ही नहीं इसके साथ रस भक्ति, प्रियालाल के दिव्य प्रेम में अनुरक्त रहकर के रहना। वृंदावन वैराग्यों का जगह नहीं, वैराग गौड़ है। महाप्रभु कहते थे ज्ञान वैराग कहुना भक्ति अंग, ये भक्ति का अंग ज्ञान वैराग नहीं, इससे श्रेष्ठ क्या है। राधा माधव की जो प्रेम केली है, प्रियालाल का जो नित्य विहार है, उनको भजर साथ वृंदावन मान दे।
यह है वृंदावन में रहने की, केवल खड़िया पलटन जैसा है, तो हम बैरागी हैं, बैरागी पलटन प्रेत लिए बैर अरुवाग, बैरागी बैरागी ऐसे कहने वाला है। बैरागी का अर्थ होता है जिसको विशेष राग हो गया, इतना राग हो कि जिसके चलते उसकी संसारिक स्थिति ऊपर उठे। जमुनार जले जेन अमृत समान हेन कवि पीब उदर परी पुरिया। कब ऐसी स्थिति आ जाएगी? मैं देखा दो दिन पहले मैं वृंदावन गया था, तो वृंदावन की पानी, जमुना जी का पानी थोड़ा दूषित जैसा है। एक महात्मा को देखा मधुकरी मांग करके लाया और ला करके जमुना जल में डूब गया। निष्ठा तो देखिए, निष्ठा से भक्ति मार्ग का सबसे बड़ा आधार है निष्ठा, श्रद्धा। श्रद्धा से भक्ति आगे बढ़ती, उसको जमुना में अपार विश्वास। जमुना काली हम लोग कहते हैं, नाक भौंसी करते हैं, गंदी हो गई। अरे प्रिया जी की भूमि है वृंदावन, वृंदावन है जमुना में नित्य है, और वो जमुना में कभी कुभाव नहीं करती। और जमुना वो काली काली जमुना सौदा है, वो काली काली साड़ी पहनी है, ऐसा दिव्य भाव, और उसमें डुबा करके खाए जमुना जी। कबे राधा कुंड जले स्नान करी पुटु हले श्याम कुंडे रही व पड़िया। ये वृंदावन में जो राधा कुंड है, चौरासी राधा कुंड श्याम कुंड, ये साक्षात राधा कुंड कौन है? तो प्रिया जी। प्रिया जी जब तरलावस्था में आती, प्रेम द्रवीभूत होता है, तो राधा कुंड श्याम कुंड राधा कुंड। तो कभी राधा कुंड जले स्नान करी कुतूहले आनंद से प्रियालाल की विहार स्थली नित्य जल के लिए निकुंज राधा कुंड में कब मैं स्नान करूं, और स्नान करके वहीं पढ़ूंगा, वहीं पड़े रहूंगा। फिर यदि घूमने का मन करे तो कहां घूमूंगा? तो भ्रमी व द्वादश, द्वादश द्वादश वनात्मक जो चौरासी कोष ब्रजमंडल है। ये ब्रजमंडल कैसा है? ऐसे देखिए, ये वृंदावन ऐसे है वृंदावन, और ठाकुर जी को जब लीला करना होता है तो ये पंखुड़ी ऐसे ऐसे हो जाता है, अब काम बन हो जाता है, गिरिराज जी हो जाए, गोवर्धन हो जाए, दाऊ जी ऐसे फिर ऐसे। ये विहार स्थलीय लीला, ये लगता है चौरासी कोष में है, फिर सिकुड़ करके एक जैसे हो जाते हैं। है जैसे श्री कृष्ण है, जैसे प्रिया जी हैं, वैसे वृंदावन धाम, क्योंकि नाम रूप लीला धाम में कोई अंतर नहीं है, भेद अभेद। जिस घन से ठाकुर जी बने हैं उसी घन से चिदघन बपू ये वृंदावन बना है। वृंदावन भी भगवान के समान है, उनकी लीला के लिए सहायक है। अब आप सोचेंगे कि कहाँ वृंदावन, कहाँ जावत, कहाँ बरसाना, कहाँ काम बन, भोजन थाली, कि भगवान को कैसे हम लोग जाते हैं, बस से गाड़ी से जाते हैं तो दिन भर लग जाता है, और पैदल ही लीला चलती, कभी जावत से आएंगे गिरिराज जी, फिर बरसाना से ऐसे, तो भगवान को चलना नहीं पड़ता है। ये चितघन बपू वृंदावन है, लीला स्थली। वो तो भगवान को तो छोड़िए, अभी यहीं पर कौन बाबा थे, चतुर चिंतामणि नागा बाबा, वो एक दिन में ही चौरासी कोष, कहीं मंगला आरती करते थे तो कहीं रात भोग करते थे, कहीं रात में यहाँ करते थे, अभी चौरासी कोष घूम जाते थे। ये वृंदावन कैसी हो? तो भ्रमिवत द्वादश बने रास के लिए जे जे स्थान, चौरासी कोष में हम लोग जाकर देखते हैं, सभी गाँव में रास स्थली बनाए। कमरी कराला जाइए तो वहाँ रासस्थली है, ऊंचा गांव जाइए तो वहाँ रासस्थली है, कदम टेर जाइए तो वहाँ रासस्थली है, काम बन जाइए तो वहाँ रासस्थली है, वृंदा बन जाइए तो रासस्थली है, भांडीर बट जाइए तो रासस्थली है। तो ये चौरासी कोष ब्रजमंडल में प्रियालाल का नित्य विहार चलता रहता है, ठाकुर जी का रासस्थली है। भ्रमिवत द्वादश बने रास के लिए जे जे स्थान में प्रेमावेश गड़ा गड़ी, उस रज में नींद करके मैं अपने आप को अचेतन हो जाएंगे। रसिकों का स्थिति है, लीला स्थली में जाते ही उनका शरीर कंपायमान होने जाता लगता है, वो उस लीला के स्मरण हो जाता है। असुधारी को जले जले, ये चौरासी कोष ब्रजमंडल में गांव में रहेंगे तब ब्रजवासियों की महिमा पता चले। अभी कुछ ही दिन हुआ,
प्रहलाद बाबा का शरीर छूटा, कहां तो कामा से यहाँ घाटा। अरे महल जो करोड़पति होगा वो भी वैसा भंडारा नहीं कर सकता है जहाँ गांव की गरीब जनता की है। हम लोग गए थे वहां पर, देखे एक बाबा रहते थे, शरीर छूट गया, ब्रजवासी, एक ब्रजवासी कहा कि इसमें जितना चीनी लगेगा मैं दूंगा, कोई कहा जितना दूध लगेगा उतना दूंगा, कोई कहा है कि बहुत आदमी की आवश्यकता नहीं पड़े, और कई हजार आदमी का भंडारा अकाउंट हुआ एकदम साधारण गाँव में भी हम लोग घूमे कि साधारण गाँव। तो ये है वृंदावन, सुधाई वो जने जने, जनों में ब्रजवासी जनों में कितना प्यार है, कितना ललक है कृष्ण के प्रति। ब्रजवासी जने कृष्ण सहज प्रण या कृष्ण ब्रजवासी जने सहज, इन दोनों का अनुनाश्रय संबंध है। ब्रजवासियों को कितना ठाकुर जी से प्यार है, ठाकुर जी को ब्रजवासियों से कितना प्यार है, ये गाँव में जाने के बाद पता चल गया है। गाँव में ब्रज के गाँव में घूमेंगे तो ऐसी स्थिति है। रास के आहार ब्रजवासी गणे स्थाने निशे दिवे चरण धरी है, ब्रजवासियों के चरण पकड़ करके कहूंगा, इन ब्रजवासियों के चरणों में पड़ा रहूंगा और उनके मुंह से कृष्ण कथा सुनूंगा। हम लोग एक दिन पेठा गांव में गए थे देखने के लिए, कहा ब्रजवासी रोज कथा सुनते हैं, एक ब्रजवासी बैठ करके भागवत पढ़ रहे थे और ब्रजवासी सुन रहे। मैंने कहा बाबा हम लोग रोज पढ़ते ब्रजवासी अपने मुंह से जो कृष्ण कथा कहेंगे, तो कहते हैं उनके चरण को पकड़ करके उनके मुंह से कृष्ण कथा सुन। किसकी कथा सुन रहे हैं, मैं पूछा किसकी कथा, तो कहा अपने लाला लाली की कथा सुन। ये नहीं कहेंगे कि हम भगवान का सुन रहे हैं, तो किसकी, हमारा अपना लाला लाली, ब्रजवासियों का लाला लाली। भजनेर स्थान को भी नयन गुचर हवे, 84 कोस में घूमेंगे ना तो अपने आप पता चल जाएगा कि भजन का स्थान आपका कहाँ है, किस गांव में रहकर कहाँ रहकर हम भजन करेंगे। आज जो अच्छे उपवन, यहाँ पर द्वादश वन है, द्वादश महावन है और द्वादश उपवन है, वन और उपवन 24 वन हो गए, तो इन 24 वनों में हम भ्रमण करूंगा। 84 कोस ब्रजमंडल में कोई ऐसा गांव नहीं जिस गांव में महात्मा न रहते, आज भी प्रत्येक गांव में जरूर एक दो महात्मा तो रहेंगे। हम लोग 84 कोस परिक्रमा ऐसे कर देखते हैं तो कहीं गांव में कहीं बंगाली महात्मा है, कहीं निम्बार्की महात्मा है, कहीं रमानंदी, कोई कोई महात्मा पड़ा। अब ब्रजवासियों को उन महात्मा के प्रति बड़ा श्रद्धा है, बहुत निष्ठा है, तो उन वन में तार मध्य वृंदावन नरोत्तम दासिर मौन आशा करे जुगल चरण, ब्रज समुद्र मथुरा कमल वृंदावन मकरंद, ब्रज बनिता सब पुष्प है भंवरा श्री ब्रज चरण। ये 84 कोस ब्रज मंडल में रम्य स्थान वृंदावन, ये वृंदावन है।